सो यो राइट फैमिली, आदाब, नमस्ते, सलाम। और आज हम खेलने जा रहे हैं Assassin's Creed Mirage। गाइस, Assassin's Creed की सीरीज को स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था चैनल पे, बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि Assassin's Creed में भी बहुत सारे पार्ट्स बने। मिराज अभी हाल ही में ही रिलीज हुआ है, तो मैं सोचा कि इसी से शुभारंभ करते हैं Assassin's Creed सीरीज का अपने चैनल पे। Assassin's Creed सीरीज में भी कुछ कुछ गेम्स पूरी टाइमलाइन से जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, और कुछ कुछ बिल्कुल अलग है। Assassin's Creed Mirage की बात करें तो ये भी गाइस एक यूनिक स्टोरी लाया और लोकेशन भी चेंज है, तो देखते हैं कैसा है गेम। कुछ भी स्टोरी है, हमें तो मजा आने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेकर। सो लेट्स जंप इन अ गेम। गाइस, इस गेम में डिस्कशन बहुत होगा कैरेक्टर के बीच में, तो मुझे शायद मे भी बोलने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कि गेम की स्टोरी क्या चल रही है। I worried the wrong lesson would be learned. यहाँ पे विलियम माइल्स हमें स्टोरी बता रहे किसी की। But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. तो यहाँ पे गाइस विलियम माइल्स हमें मेन हीरो की कहानी सुना रहे हैं, जिसका नाम था बसीम इबिन इज़ाक। विलियम माइल बता रहे कि जब बसीम हमारे पास आया था तो वो एक छोटा बच्चा था और वो गलियों में चोरी करता था। बसीम ने जब देखा कि कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं मासूम लोगों पे, तो बसीम ने फैसला किया कि वो Assassin's Creed ग्रुप को ज्वाइन करेगा। तो विलियम माइल गाइस हमें वही बता रहे कि एक छोटा बच्चा वैसा चोर था, वो कैसे Assassin's Creed ग्रुप का लीडर बन गया। तो गाइस यही जर्नी एंड स्टोरी होने वाला है इस गेम की, एंड इसके आगे मुझे पता नहीं, अब खेलने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। चलो देखते हैं। ओ भाई, कहाँ से स्टार्ट हुआ है गेम, रेतीले तूफान में? और ये कौन है, हमारा मेन हीरो है क्या बसीम? लग तो वही रहा है। क्या हो रहा है भाई, हॉरर कैसे है स्टोरी? भूतड़न कहाँ से आ रही है? ये सोचा नहीं था मैंने कि ऐसी स्टोरी स्टार्ट होगी। ओ भाई, हो क्या रहा है भाई, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है बसीम? मुझे जहां तक लग रहा है सपनों का भूत तो नहीं है बसीम का? लो भैया, दिन में सपने देख रहा है बसीम, लगा ही था मेरे को। निहाल कौन है? बसीम को बोल रही कि सांस ले भाई आराम से, बट है कौन, फ्रेंड, सिस्टर या परिवार से? आगे पता चलेगा लग रहा है। To strip the flesh from my bones, dine on my innards, never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Hardly original. You should tell it as much. Forget the genie for the moment. The day is new. There is work to be done. Derwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal. Where is your sense of duty? Duty does not fill our bellies. No, but it does enrich the soul. I will be outside. यहाँ पे निहाल और बसीम के बीच में डिस्कशन हुआ, और निहाल वही बोल रही थी कि इस बार भी वही जीनी आया क्या तुम्हारे सपने में, और इस बार हमारे दोस्त को क्या चाहिए था जीनी को। तो गाइस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बसीम के सपने में बार बार वो भूत जैसा कुछ भी आता रहता है, और बसीम बोल रहा था कि उसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मेरी चमड़ी पे वो रेंग रहा है, अलग ही था। और गाइस यहाँ पे Assassin's Creed ग्रुप ने जो हाइडन है
उन्हें डरविश नाम के एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और डरविश के नीचे काम करते हम दोनों निहाल और बसीम। तो जो कॉन्ट्रैक्ट डरविश को मिला था डरविश ने हमें सौंप दिया और वही कॉन्ट्रैक्ट के काम से हम फिलहाल में हम जा रहे हैं। बालक उन क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे? They are liberators, Nihal, not merchants. I know the stories. Still, the price of liberty should be enough to feed us. तो गाइस यहाँ पे हम बगदड़ शहर में कैसे हो, बगदड़ शहर के अंदर अनबर जगह है वहीं पे हम फिलहाल में घूम रहे हैं। और जो समय बताया गया है वो बहुत पुराना एशियंट टाइम है, 1861 का। पार्कोर क्या बात है, इसी कारण तो इस पूरे गेम को जाना जाता है भाई, स्किल्स, स्टेल्थ किल, पार्कोर भाई, छुपके मारना, ये आपको हर असैसिन्स क्रीड गेम में मिल जाएगा। तो लिटरली पार्कोर देख के मुझे प्रिंस ऑफ पर्चा की याद आ रही है भाई, क्योंकि उसी गेम ने 2003 में इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को पार्कोर से भाई। वो भी इसके टाइम का लेजेंड गेम था, ये भी अपने इस टाइम का लेजेंड है भाई। इसमें भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पार्कोर में, जहाँ पे भी छोटी जगह मिल रही है वहाँ से हम मतलब जंप कर रहे हैं। इस गेम में शायद हम सारी जगह पे चढ़ सकते हैं और कूद सकते हैं। देखो वो भाई निहाल कहाँ रह गई, मैं ज्यादा आगे तो नहीं आ गया, ओके आ गई साथ में। This contract, I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking out for you, ya Sadiki. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the hidden ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow, the next Gilgamesh? No. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people, only to be slighted and forgotten. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. तो गाइस यहाँ पे जो निहाल है वो शायद हमें फ्रेंड यहाँ पे लिखा भी आया था, या सदीक मतलब अरबिक में शायद फ्रेंड होता है मतलब उसका। Such crowds. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. तो गाइस यहाँ पे निहाल बोल रही है कि यहाँ पे इतने लोग क्यों जमा हुए हैं, यहाँ कुछ होने वाला है क्या? तो बसीम वही बताया कि यहाँ पे खलीफा उन आने वाले जो गाइस यहाँ रूल करते हैं बगदड़ में, उन्हें विंटर पैलेस में बुलाया और यहाँ के जो सेवक है उनके लिए एक तरह से ये धन के रूप में है, तभी इतने सारे यहाँ पे लोग जमा हुए हैं गाइस। अच्छा नियाल बोल रही है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कभी उससे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए, तो एक काम करते हैं यहाँ जो लोग दिख रहे हैं उनकी थोड़ी जेब काट लेते हैं एक आधा हाथ मार के, उससे हमारा शायद आज का जुगाड़ हो जाएगा खाने का। सो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे पोटली में लग रहा है पैसे है। ओ भाई उठा लिया। बसिम बोल रहे हैं यहाँ से निकलना ही बेहतर है, उससे पहले कोई नोटिस करे कि हमने पैसे गायब कर दिए यहाँ से। बसिम और निहाल के लिए तो ये आम बात है क्योंकि बचपन से चोरी कर रहे हैं ना दोनों के दोनों। I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable duo. Oh, bhai, bawal chori hai Nihal. Nihal, guys, hume batayegi apni aankhon se ki kahan chori karni hai aur hamara Basim wahan apne haath ki safai dikhayega. To Basim bhai bol raha hai aankh aur haath ki achhi jodi hai. The boisterous one. He must have something of value. अच्छा सामने एक बंदा खड़ा है, उसके पास कुछ वैल्यूएबल चीज है तो वो हमें अब हाथ की सफाई से निकालनी है। यहाँ पे जेब कतरने का ट्यूटोरियल बता रहे भाई। ओ भाई निकाल लिए क्या? ओ निकलो निकलो निकलो, बंदा जब तक देखेगा उसके पीछे वो जब तक तो गायब होना है यहाँ से। यहाँ पे एक तरह की ट्रेनिंग चल रही है गाइस हमारी शुरुआत की, या आगे जाके हमारे काम आएगा। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये दोनों काम धंधा करते है नहीं, जेब कतर के ही काम चला रहे लग रहा है अभी तक। यहाँ पे भी हाथ की सफाई दिखानी है या जेब काटते। ओ भाई निकलो निकलो, अम्मा जी पीछे देख लेगी तो बवाल खड़ा कर देगी बीच बाजार में। Is that jealousy I hear? Hardly, oh great looter of purses. Insufferable. Come, we are late to Durwishes. नियाल बोल रही है गाइस यहाँ पे कि शाबाश तुमने साबित कर दिया तुम अनबर के सबसे बड़े चोर हो। तो बासिम बोल रहा है कि क्या मुझे लग रहा है कि तुम जल रही हो? तो निहाल ने वही बोला कि ना ऐसा कुछ नहीं है। और बासिम बोल रहा है कि गाइस यहाँ पे हमें लेट हो रहा है, फटाक से हमें डरविश के पास जाना है, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या देगा डरविश। और गाइस जहाँ पे हम है फिलहाल में अभी बगदड़ में, ये भी गाइस फिक्शन जगह नहीं है, ये भी रियल लाइफ से ही ली गई है।
मतलब ये लोकेशन पे ये जगह है इजिप्ट में कहीं पे, ऐसा सही मिराज एक तरह से मतलब इंस्पायर्ड होके ही बनाए पूरा रियल लाइफ से। पोल वॉल पोल रेस्टिंग ऑन द साइड ऑफ बिल्डिंग कैन यूज टू क्रॉस द लार्ज गैप्स। ओके तो गाइज ये जो पीछे पोल लगे हैं ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो गाइज बिल्डिंगों के बीच में गैप है वहां से हमें कूदने में ज्यादा दिक्कत ना आए इसलिए हम उनके ऊपर कूद के जा सकते हैं। ये भी सही चीज दी है। और गाइज यहाँ पे जो हमें मेन कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है ये भी एसेसिन क्रीड ग्रुप से ही तब से मिलने वाला है क्योंकि एसेसिन ग्रुप डर्विश को देते हैं, डर्विश हमें देता है। एक तरह से गाइस कैसे भी करके बसीन को एसेसिन ग्रुप को ज्वाइन करना है इसीलिए डर्विश के कॉन्ट्रैक्ट ऑन कर रहा है। डर्विश की भी काफी जान पहचान है ऐसा लग रहा है हिडन लोगों से। Someone has to plan our meals. बच्चन भी यहाँ के काफी जानते हैं बसीन को, बसीन यहाँ का लगता है हीरो है बस्ती का। Food. I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Zaida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing by itself, but the information it contains is valuable to them. This is child's play. Do they not have anything more difficult? I can do more. Never mind your ego. The Khalifa's guards are here in number, and you would do well to remember that. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one on your own. All right. तो गाइस यहाँ पे हम डेरविश से मिले और उनने बताया हमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि एक बड़ा शिप आने वाला है और उसमें एक बुक आने वाली है। तो बुक की कीमत तो इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए वैल्यूबल है। तो बसिन ने डेरविश को वही बोला कि ये तो बच्चों का काम है ये तो यूँ ले आऊँगा, उनके पास कुछ मुश्किल काम नहीं है जो मुझे दे सके। बाकी डरविश ने यही बताया कि यहाँ पे खलीफा के गार्ड काफ़ी संख्या में तो इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो, उसे लाना। अब देखते हैं आसान है कि मुश्किल, उस जगह पे आ तो गए हम जहाँ पे बुक आने वाली है। If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. यही नहीं होना था। ओ भाई पता चल गया, ये बंदा नमूना इधर आएगा। अच्छा हमें इनने पूरा देखा नहीं, इनने बस आहट सुने है हमारी, बट ये तो फिर भी इधर आ रहा है। क्या करना है यहाँ पे, घास में तो है हम। अच्छा हम नॉकआउट कर सकते, क्या बात, दो भैया बुद्धि तोड़ो, खत्म, काम ही खराब हो गया। वो देखो उसके साथ वाला वापस चला गया, देखा तक नहीं कि एक बंदा गायब हो गया यहाँ से। अच्छा गाइस बसीम बता रहा है कि हम गाइस यहाँ पे सामने से बंदों को नहीं मार सकते, ऐसे छुप के ही नॉकआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल में हमारे पास वेपन्स नहीं है। आगे हथियार मिल जाएंगे फिर तो तहलका मचा देंगे हम। अब हमें देखना बुक कहाँ पे रखी है। अच्छा लॉक डे, अच्छा मुझे लग रहा है गाइज ये लॉक डे इसके अंदर ही हो सकती है बुक। गाइज ये आई विजन वाला सिस्टम बहुत गजब लगा है इस गेम का कि मतलब बंदों को तो देख ही सकते हैं हम आई विजन से, मतलब जो घर में चीजें रखी है वो भी देख सकते हैं। एज इट इज एक एक्सरे जैसा काम कर रहा है और एक बंदा गया अंदर जिसके पास अभी चाबी है। अरे यार ये बंदे को हम कैसे हटाएंगे, तो सामने ही देख रहे हैं। अच्छा हम सीटी मार के भी बुला सकते हैं। अरे भैया तलवार तो ले आ, इधर गुपचे में लेके मारेंगे नहीं तो देखो अभी। चलो भाई इसको साइड में पटकते हैं, यहाँ कोई देखेगा नहीं इसको। अब चलते हैं अंदर, मेन हमारे चाबी वाला बंदा शायद अंदर ही साइड गया है। मनुष कहाँ निकल गया भाई, धुन में ही अपनी चाबी की जरूरत है भाई हमको। ये गेट खुल जाएगा क्या भाई, ये ऐसा क्या लॉकता है यहाँ लकड़ी वाला। मुझे लग रहा है वही तो नहीं चला गया बंदा गेट खोल के अंदर जहाँ से हम आए लॉक। ना ना यहाँ तो बंद है, पीछे ही है। एक मैं वापस आई विजन से चेक करते किधर है। अबे भाई जामरू अंदर ही घूम रहा है, मेरे को लगा कि बाहर घूम रहा है, मैं इसके चक्कर में बाहर देखने आया। कसम से नशे में घूम रहा है क्या, मैं यहाँ पे गेट तोड़ा लॉक तोड़ा ये बंदे ने देखा ही नहीं। क्या सीन कर रहा है भाई, घर जाके सोचता क्यों नहीं चुपचाप, तो तेरे से काम नहीं हो रहा है तो घूम रहा है भाई। इधर क्या है, ओ भाई साहब धीरम मिल रहा है इधर तो घर उनमें। भाई साहब अब तो सारे घर लूटूंगा, लोगों को लूटने की क्या जरूरत, सीधा घर ही लूट लेंगे, इतना पैसा मिल रहा है अंदर तो। काफ़ी धीरम मिल गया हमको यहाँ से। अनलॉक डोर, अब देखते हैं अंदर बुक कहाँ है। ये रही बुक,
उठाते फटाक से निकलते हैं यहाँ से। और है ये सब भी लूटो भाई, धीरम ही धीरम मिल रहा भाई, इतना कम क्यों मिल रहा है धीरम, तीन तीन अच्छा उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा होते होंगे गाइज ये भी पैसे, आज कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। तो गाइज लास्ट टाइम बसीन ने ये भी पूछा था डेरविस से कि जब हम बगदड़ में थे तब तो तुम हमारी इतनी चिंता नहीं करते थे जितनी अब कर रहे हो। तो डेरविस ने बसीन को वही बताया कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता जितनी पहले करता था अभी भी इतनी करता हूँ, बाकी मैं कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता तुमको। ओ हिडन असिस्टेंट, She looks important. You should haggle for a better fish. Oh, Basim, what timing? Did you get it? Without a fuss. Okay, अच्छा डेरविस पूछ रहा है, काम हो गया, दे दिया हमने तो इसको। Give it here. You are one of them. बसीम एक्साइटेड होकर पूछ रहा है एसएसएन से कि तुम भी उनमें से एक हो क्या? कुछ भाव ही नहीं दिया बसीम को इनने और ना कुछ बोला। It looks as though it was delivered this morning. You're certain it is the chest you seek? I am certain. Hey, the boy. You need something stolen? I am your man. Durwish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. Two of my best men died in this pursuit. I doubt a street thief would fare much better. Then let me join you. You have two openings. बसीम ने सिर्फ बात की, ये बंदा इंसल्ट समझ के पैसे काट रहा है। Thank you, Darwish. Listen here, Basim. You want to keep working for me? You keep your head down and your mouth shut. So guys, यहाँ पे जो hidden assassin आया था रोशन नाम का, उसे एक रहस्यमय बॉक्स की तलाश है जो शिप पे आने वाला था। तो बसीम ने खुशी खुशी में ही बोल दिया कि मैं क्यों ना इस बॉक्स को ले आता हूँ आपके लिए चुरा के। तो हिडन ने वही बताया कि मैं सबसे दो बेस्ट आदमी मर गए इस बॉक्स को चुराते हुए, तो तुम क्या कर लोगे चोरों के? Desperate? Nihal, I am good at what I do. That woman would be lucky to have me. But she does not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Almost, Jessup. What is this? Aha! This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they... catch me digging around their wares. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? Tah, we have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Ah, yes, a black one. Very beautiful. Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka, ya Jasib. बच्चा तो काम का निकला है। जैसे जैसे ने देखा है कि विंटर पैलेस तरफ बॉक्स को ले जाया जा रहा है खलीफाओं के द्वारा, तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है बसीम इसे चुराने की सोच तो नहीं रहा, असैसिन क्रिएट के हिडन ग्रुप को शायद इंप्रेस करने की कोशिश में बसीम। They want that chest and I am going to get it for them. Then they will see. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. We will need a safe way in. And I know where we might scout one. तो गाइस यहाँ पे थोड़ी देर पहले बसीम हिडन वन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हिडन वन को गाइस डाउट हो रहा था बसीम पे कि ये बंदा कर पाएगा कि नहीं ये चीज। तो गाइस यहाँ पे बसीम ने डाउट क्लियर करते हुए हिडन वन को वही बताया कि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे डरविश के द्वारा मुझे, मैंने बकायदा एक एक को पूरा किया। आप मुझे ये बॉक्स वाला भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं चुरा के लाऊंगा आपके लिए ये बॉक्स। नैन हिडन वन ने मुंह मोड़ते हुए हमें यही बात बोली कि तुम्हें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे तुमने कर दिखाया, अब ये काम तुम ना करो तो ही बेहतर है। नहीं, बसीम का मानने वाला, बसीम अपनी मर्जी से करने जा रहा है ये गाइस कॉन्ट्रैक्ट। बंदे ने अब ठान ही लिया है कि असैसिन क्रीड ग्रुप को ज्वाइन ही करना है ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद। You do not have to get involved, Nihal. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with. And nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's winter palace. When you say it like that,
It only excites me further. Are we going or not? तो गाइस यहाँ पे निहाल भी हमारे साथ चल रही है, तो वही पूछ रही है हमें चलना है या नहीं बस, तो मैंने यहाँ पे चलने का ही बोला है। Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out of that life. That sees that Jasip can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. तो गाइस यहाँ पे हम विंटर पैलेस के पास आ गए हैं और अंदर ही है खलीफा और चेस्ट भी, तो अब देखते हैं कहाँ से रास्ता है। गाइस निहाल हमारे साथ इसलिए जा रही है क्योंकि निहाल ने बोला कि तुम यदि अकेले जाओगे और यदि तुम वहाँ पकड़े जाते हो तो ये लोग बिना सोचे उसी टाइम पे तुमको मार देंगे, तो इसीलिए गाइस निहाल हमारे साथ आई है। और निहाल गाइस कहीं ना कहीं केयर भी करती है बसीम की, क्योंकि गाइस निहाल एंड बसीम बचपन से बड़े हुए हैं बगदड़ की गलियों में एक साथ, तो इसीलिए। एंड गाइस सबसे जरूरी बात तो ये भी है कि निहाल को एकदम खुफिया एंड सुरक्षित रास्ता पता है विंटर पैलेस के अंदर जाने का। यदि हम मेन गेट से जाने की कोशिश करेंगे तो भैया नमूने उन खेला कर देंगे, खलीफा की गार्ड उन काफ़ी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे निहाल ने एक क्वेश्चन पूछा था बसीम से कि यदि तुम हिडन असैसिन्स क्रीड ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो देन उसके बाद क्या, तो गाइस वसीम ने वही बताया कि जो हमारे साथ अनाथ बच्चे रह रहे हैं उनकी गरीबी दूर करेंगे एक तरह से हम लोग। गाइस यहाँ पे निहा बोल रही है कि हमें रात होने का वेट करना पड़ेगा, हम रात में अंदर जाएंगे विंटर पैलेस के। गाइस एक तरह से निहाल ने हमारी बात मान भी ली और निहाल वही बोल रही थी कि चलो तुम हिडन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद तुम एक ऐसी दुनिया की सोच रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। बट वसीम इस बात से सहमत नहीं है। The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. Bhai saab, jo bhi bolo, bahut khoobsurat mahal bataya yaar. Creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you should perhaps follow mine. तो यहाँ क्या करें अब गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं। बसीम बोल रहा है कि हमें फ्रंट डोर से ट्राई करना चाहिए और निहाल बोल रही है कि यदि तुम्हारा जो चतुर दिमाग है वो ज़्यादा चल रहा है और तुम जाना चाहते हो तो देखते हैं तुम्हारा रास्ता कहाँ ले जाता है। तो गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमें, या तो हम छाती चोरी करके सामने के रास्ते से जाए या हम निहाल की बात मान के उसे फॉलो करें, उसे रास्ता पूरा पता है साइड का, तो इसके पीछे पीछे विंटर पैलेस में एंट्री मारे छुपते हुए। गाइस यहाँ पे निहाल बोल रही है अच्छा है तुमने समझदारी से काम लिया और तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तो बसीम बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेले जाना पसंद नहीं है इसलिए मैं पीछे से आया। यहाँ पे भी दो नमूने गार्ड उन बैठे, बाकी इनसे हम पंगा नहीं लेंगे, साइड से निकल लेते हैं। रास्ते भर हमें लग रहा है गाड़ी मिलते रहेंगे, हर जगह पहरेदारी दे रहे पैलेस के अंदर, तो बहुत सिक्योरिटी टाइट करके रखे हैं यहाँ पे भाई। वो बॉक्स में कुछ ना कुछ तो है गाइस, हिडन असैसिन्स क्रीड के लिए भी वो बहुत कीमती है, खलीफाओं के लिए भी बहुत कीमती है, मतलब कुछ ना कुछ तो है रहस्य उसमें। निहाल का भी यहाँ का इस कहना है जैसे ही हमें बॉक्स मिलेगा वैसे ही हमें यहाँ से फट से निकलना है, ज़्यादा देर नहीं रुकना है क्योंकि इतने सारे गार्ड अलर्ट हो गए तो सारे पीछे पड़ जाएंगे हमारे, जिससे बेहतर है कि हम बॉक्स ऐसा गायब करें कि वो जैसे यहाँ पर कभी था ही नहीं पैलेस में, तब जाके गार्ड शायद अलर्ट नहीं होंगे। मनुसोन भी सामने गार्ड उन खड़े हो, निहाल कहाँ रह गई, अबे निहाल किधर है, अच्छा ये इधर से आ रही झाड़ियों में से निकल के आ रही निहाल, मैं सीधे सीढ़ी से ही आ गया, मुझे रास्ते का अता पता कुछ है नहीं, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। ये छोरी ऐसे कछुए की चाल क्यों चल रही है भाई, मैं इतनी स्पीड से चले जा रहा हूँ ये क्यों नहीं आगे आ रही है, अब क्या हो गया, रुक क्यों गई यहाँ छोरी। अरे अच्छा यहाँ पे एक बंदा है क्या भाई, सिंगल ही बंदा है, इसको सलटाते गर्दन चटकाते, अच्छा इस बार पीठ चटका दी, कोई ना वो कहाँ निकल गई निहाल, ओ भाई अरे रुक जा निहाल मेरे को रास्ते पता नहीं है भाई, कहाँ निकल गई चोरी, अच्छा यहीं रुकी है क्या, मुझे लगा पहुँच भी गई होगी ये चेस्ट के पास। भाई साहब इधर भी कोई है क्या, और भाई ये दो जामरून बैठे, अब कैसे निकलेंगे यार, इनको मार तो सकते नहीं, हम दोनों मार सकते हैं किक को, बाकी चलो जान दो यार। निहाल दिमाग से जा रही और मैं अलग ही मारदार की सोच के चल रहा हूँ।
यदि मुझे वेपन मिल जाते गाइस सीरियसली यहाँ तबाही मचा देता। बाकी जाने दो, यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ पे डोर है लेकिन लॉक दे, यही जाना तो हमें यही है यार भाई, लॉक डोर कैसे खोलेंगे अब? This door may lead us inside. Not without a key, it won't. Have a look around. तो गाइस निहाल बोल रही है हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है, और यहाँ की वसीम बोल रहा है कि की के बिना हम तो जा नहीं सकते। और जो की है गाइस मुझे लग रहा है ये गार्ड के पास है जो आगे चल रहा है हमारे। नहीं यहाँ पे गार्ड के पास से मैं चाबी लूँगा कैसे? यदि मैं नॉकआउट करने जाऊँगा तो तीन गार्ड देख लेंगे, नमूनों को पहले जान देते। अरे भैया ये कहाँ जा रहा है घूम के? जाता क्यों नहीं भाई तू? बंदा कंफ्यूज लग रहा है, बंदा पहले इस साइड गया फिर वापस चला गया, अलग ही था भाई। ये अपना चाबी वाला कहाँ गया? कहाँ निकल गया? तहखाने में तो नहीं निकल गया बंदा? अरे ये बेटर आराम फरमा रहा है यार, चल तेरी तो। लाओ भैया चाबी दो, हमें वापस जाना है पूरा। अरे इसके बाद तो पेंडेंट था भाई, वैल्यूबल चीज़ मिल गई हमें चाबी के साथ, तो क्या बात है, एक के साथ एक फ्री। अब हमें एकदम वहाँ जाना है एंड में नियाल के पास जहाँ पे लॉक है। नहीं ये मनुसोन कहाँ से आ रहे भाई घूम के? अरे नहीं 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 घास में हो ये तीनों नमूने, हमसे कल साथ में ही घूम रहे जब से भाई, एक को भी नॉकआउट नहीं कर सकता भाई मैं यहाँ। अरे यार अबे ये क्यों खड़ा हो गया बंदर? भाई तेरे घर की शादी है क्या? जाता क्यों नहीं आगे? अरे नहीं जल्दी कर दिया हमने, सक उग गया बंदे को। ये बंदे से पंगा लेना नहीं चाहता भाई, बंदा ये भी खतरनाक ही दिख रहा है, उसके पीछे अलग के उसके चमचे चल रहे हैं। चलो भाई रास्ता क्लियर, निकलते हैं जल्दी से। नियाल कहाँ है? पकड़ा तो नहीं गई छोरी? ना ये रही। बिल्कुल ये नियाल, ये तो अब तो चुटकियों का खेल है यार, चाबी वाबी लाना। ये किसमें क्या बोल? The young man is eager. It's his first time in the palace, is it not? Let him wander, I say. Cater to his need. तो गाइस गार्ड यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में कि खलीफा मीटिंग करवाने वाला है किसी के साथ, एंड खलीफा के साथ उसका बेटा भी आया इस मीटिंग में, तो खलीफा अपने बेटे से ज़्यादा खुश नहीं है यहाँ पे। और जो मीटिंग में आ रहे हैं लोग निहाल की तरफ से अभी निकले, वो लोग इधर से भी जा रहे हैं। लेकिन बॉक्स कहाँ है भाई? बॉक्स का तो अता पता ही नहीं है, जिस मेन चीज़ के लिए आए वो चीज़ कहाँ है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे रखा है बॉक्स। Out, all of you. I am to meet with them alone. Father, let me stay. Take him. तो गाइस खलीफा बोल रहा है कि सब जन चले जाओ यहाँ से, और उसके बेटे को भी जाने को बोला। बाकी बेटे ने बोला कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ फादर, लेकिन खलीफा ने नहीं बोल दिया तुम भी जाओ इन गार्ड के साथ। तो ये कौन आ रहा है? ये चंबल के डाकू, इन कहाँ से आ गए मीटिंग में? वेलकम, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अच्छा ये वो ग्रुप है गाइस जो विलियम्स ने शुरुआत में बताया था, ऑर्डर ऑफ एंशियंट। ये लोग पूरी क्रूरता फैलाना चाहते हैं दुनिया में और अत्याचार। इन्हीं लोगों ने बॉक्स मंगाया खलीफा के द्वारा। आई अंडरस्टैंड दिस मींस अ ग्रेट डील टू यू। रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी वेल प्रोटेक्टेड हियर। वी विल एक्सेप्ट नथिंग लेस। वी विल कैरी आउट आवर वर्क एंड रिटर्न टू यू व्हेन वी आर रेडी। बी प्रिपेयर्ड खलीफा। Might I see it once? The contents. If we are to guard this with our lives, we should know. You saw nothing of this. You say nothing. Do you understand? Yes, of course. Perish the idea. Now is our chance. खलीफा यहाँ पे ज़्यादा भावुक हो गया और पूछ लिया कि बॉक्स के अंदर क्या मैं देख सकता हूँ क्या एक बार? तो ग्रुप ने बोला कि तुम्हें इजाज़त नहीं है इसके अंदर देखने की। चमका दिया बंदे को खलीफा को। नहीं गाइस ग्रुप था खतरनाक, जो भी बोलो मास्क के अंदर भाई साहब। ये ग्रुप की शक्ल तो पता नहीं लेकिन मास्क देख के लग रहा है कि ये दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। चंबल के डाकू खतरनाक लग रहे थे भाई। गाइस ये लोग तो यहाँ से जा चुके हैं, बॉक्स शायद यहीं पे है। लेकिन निहाल बोल रही थी कि हम पूरा बॉक्स उठा के नहीं ले जा सकते क्योंकि उसका साइज बड़ा है और काफी भारी भी है। तो एक काम करते हैं, हम उसके जो भी अंदर चीज है उसी को गायब कर देते। ओपन स्नैच रन। ठीक है बसम हरी। बसम निहाल को बोल रहा है खोलो उठाओ भागो बस अब यहाँ से, जो भी इसके अंदर चीज है। यहाँ ताला तो तोड़ दिया है जैसे तैसे। वो भाई बक्से के अंदर तो एक कॉइन है, ये चीज लेने आए थे क्या? इसके लिए इतनी दूर आए हम लिटरली? इससे क्या होगा भाई? नहीं नहीं कुछ तो लोचा है इस सिक्के में। ओ भाई ये क्या दिख रहा है हमें? क्या हम इससे फ्यूचर और पास्ट नहीं देख सकते क्या? ये भी नहीं समझ आ रहा है बंदा कौन है जो इससे टॉर्चर कर रहा है।
Give me that. अरे भाई जान आ गए खलीफा बाबू। अरे इसे भी चाहिए क्या? बोल लो। Do you have any idea what they will do to me? भाई बंदे के फट गई है कसम से। खलीफा बोल रहा है वसीम को तूने क्या किया, वो मेरे को आके निपटा देंगे, मार देंगे साले तेरी गलती की वजह से। वो भाई उससे पहले बंदा हमें नहीं निपटा दे क्या कर रहा है? अरे छोड़, बंदा गला दबाने में फोकस कर रहा है, छोड़ेगा भी कि नहीं? अरे इसका चाकू, ओ भाई निहाल ने निपटा दिया उसको। रन निहाल, वेट। निहाल तो भाग गई, हमें भी भागना चाहिए, अब यहाँ सोचने का टाइम नहीं है ज्यादा। ओ भाई निकलो, लग रहा है पूरे विंटर पैलेस के गार्ड ऑन अलर्ट हो गए हैं, निकलना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। भाई साहब नहीं गाइस, निहाल ने ना खलीफा को मारना नहीं था, उसने मार के थोड़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। यदि हम नॉर्मल भाग जाते तो वो शायद गार्ड हमारे पीछे नहीं आते। नहीं एक तरफ वो भी था कि निहाल कभी उसे नहीं मारते तो खलीफा वसीम का गला दबा देता। अरे यहाँ भी नीचे बंदे इधर साइड से जा सकते। ओ भाई लेकिन गाइस मुझे ये समझ नहीं आ रहा वसीम और निहाल भाग के जाएंगे कहाँ, पूरे भगदड़ में पहरेदारी दे रहे बंदे। उससे बड़ी बात तो वो भी है कि खलीफा के बेटे ने हमारी शकल देख ली है दोनों की। इतना बड़ा कान जो करके भागे इतनी आसानी से, तो वो भी शायद हमें जाने नहीं देगा। अब अपन खुले आम तो भाग नहीं सकते अपने घर का रास्ता समझ के, अब सीधे छत पे से निकलना है। ओ भाई लिटरली बंदा भाला फंसा देता, जरा सा बच गया मैं, छतों पे से ही फलांग मार मार के भाग, यही रास्ता बेटर है। ओ भाई अबे यहाँ भी गार्ड है, क्या है यार ये भाई, छत उनको भी नहीं छोड़ रहे गार्ड, उन छत पे भी पहरेदारी दे रहे गार्ड, उन क्या हो तुम लोग? अब ये बस बची कुची कपड़े डालने की रस्सी है, यहाँ पे ही गार्ड नहीं है, बस यहीं से जा सकते हैं। ओ भाई क्या जंप आ रही है, वसीम बोल रहा है हमने क्या कर डाला, अब कांड कर दिया और क्या कर डाला, अब भागते फिरो गलियों में भाई साहब। अरे यहाँ पे भी बंदे, निकलो निकलो निकलो। अरे ये बंदे को देखो, हालांकि सोया हुआ था साइड में बैठा बैठा, इसको पता ही थी कि क्या हो रहा है, जब मैं आया तब जाके उसकी नींद खुली गार्ड की। वाह बेटे मौज कर दी, निहाल के आते पते नहीं दिख रहे, वो कहाँ भाग गई भाई छोरी, मर्डर उसने किया खलीफा का, भागते मैं फिर रहा हूँ इधर गलियों में। वाह लेट्स गो, इधर से निकलते अब, और कितनी दूर जाना है यार, ये अंधेरे में कौन खड़ा? अरे भाई गार्ड है, भैया लोग है कि नहीं भगदड़ में, पूरे गार्ड ही गार्ड है, संख्या इनकी ज्यादा हो गई है क्या? लोग तो ना के बराबर देखने को मिल रहे जो यहाँ रहते थे। ना ना हे भाई मैं ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को लगा कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये रहे लोग। अरे कूद जा वसीम, करना क्या चाहता है, रस्सी पे पुलअप्स की एक्सरसाइज मार रहा है। नहीं मजाक की बात नहीं, बंदा सचमुच बहुत ज्यादा घबरा गया वसीम तो, उस हादसे के बाद हालत खराब हो गई भाई इतना दौड़ते हुए। शायद हम ये घर पे आ गए हमारे, लेकिन निहाल तो दिख नहीं रही यहाँ पे, वो आई नहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन गाइस वो पकड़ा तो नहीं गई, ये भी हो सकता है। लेकिन कॉइन निहाल के पास था या वसीम के पास? वसीम ले गया था ना उठा के, हाँ वसीम के पास था। ये रहा पिछली बार तो भाई पता नहीं क्या हो गया था इसे, वो इस बार भी हो रहा भाई साहब। देखने से ऐसा लगता है जो भी इसे पकड़ता है उसे भविष्य या भूतकाल दिखता है। अब गाइस वो आगे ही पता चलेगा इससे होता क्या है, एक्चुअली मैं भी गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है इससे। वसीम ने तो छोड़ दिया उसे, इसकी वजह से इसकी जान चली गई। वसीम वही टेंशन में, अब क्या होगा नेक्स्ट? नो स्टॉप दिस, ये क्या हो रहा है? प्लीज व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट द फक, ये क्या है बे? अच्छा सपना था। निहाल? Not quite. Are you well? Good. Because I need you to tell me about this. I do not know what you mean. तो यहाँ पे गाइस हिडन वन वसीम से पूछ रही है इस यंत्र के बारे में। वो गाइस जो बाहर सोल्जर घूम रहे ऐसा लग रहा है कि पूरे भगदड़ में ढूंढ रहे वसीम को इस यंत्र की वजह से। Tell me what happened. Silence is not your ally here. It is not silence. I cannot explain what I saw. That object. It did something to me. I was somewhere else. Cold and frightened. Before I knew it, the Khalifa had his hands around my neck. It was an accident. I did not mean for. Just wanted to help. We need to get you out of here. I have a boat at the Western docks. What? No, I cannot leave. I need to find Nihal. Stop and think, Basim.
The Khalifa's guard is searching for his murderer, a young thief of your description. They will not stop until they have found you. And when they do, it will not be a prison they throw you into. It will be a shallow grave. I'm giving you a second chance. Take it. Nihal, Darwish, they are all in danger. So guys, फिलहाल में यहाँ पे ये जो hidden one है, इसका नाम रोशन है, और रोशन ने वही पूछा बसीम से कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और जो यंत्र है ये किस तरह का है और इससे क्या होता है। तो यहाँ पे गाइज एक्सप्लेन करते हुए बसीम ने रोशन को यही बताया कि जब पहली बार मैंने इस यंत्र को हाथ में लिया था तो मैं एक ठंडी और मतलब डरावनी जगह पे पहुँच गया था, और जब तक मैं इस यंत्र के बारे में जानता उससे पहले ही खलीफ ने मेरा गला दबा दिया और नियाल ने उसका गला ही चीर दिया। वेट अ सेकंड गाइज, मैं पहले बंदे को निपटा दूँ फिर आपको बताता हूँ। चलो ये बंदा तो गया, अरे भैया दंगे ही करने आ गए बंदे तो, अरे इनके पास तो तलवार है, मैं अलग ही गुद्देबाजी कर रहा हूँ, भागना ही पड़ेगा भाई, एक बार में निपटा देंगे तलवार मार के। अरे कहाँ से फलाक मार दी भाई, बच गया, पानी में थे इसलिए बच गए, वरना जमीन होती तो सीधे मर जाते। तो गाइज रोशन ने वही बोला कि मैं तुम्हें सेकेंड चांस दे रही हूँ, अभी भी भाग सकते हो तो मेरे साथ आ जाओ। बाकी बसीम ने बोला कि मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ के यहाँ नहीं जा सकता, डेरविश और निहाल को। यहाँ क्या हो गया, बसीम किसको देख रहा है? ओ भाई, जितने भी बस्ती के लोग थे और बच्चे थे जो खासकर बसीम को जानते थे सबको मार के लटका दिया उन सोल्जरों ने। अरे यार ये नहीं करना था, वो बच्चे को भी मार दिया गुलेल वाले को जिसने हमें बॉक्स का पता दिया था। Watch where you point your blamey little finger, Basim. It was your idea to steal from the palace. Also that you can impress your cunning friends. I saved us. You killed them. You did this. It came from over there. I hope I never see you again. Hurry! All of them dead. When it was me they sought to punish. I cannot be here. I cannot. तो गाइज यहाँ पे काफी दुख हुआ बसीम को इतने लोगों के और बच्चों की लाशें देख के, और बुरा भी लग रहा है मनी मन कि हमें वो चीज नहीं करनी थी। तो निहाल बोलने लगी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम समझ रहे हो। तो वहीं बसीम ने डांटते हुए निहाल को बोला कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, कि यदि तुम उसे खलीफ को मारते नहीं तो इतने लोगों की हमें लाशें नहीं देखने को मिलती यहाँ पे। तो निहाल ने वही बोला कि मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम खुद देखो कि तुमने ही बोला था कि हमें वो बॉक्स चुरा के लाना है और इम्प्रेस करना है इस हिडन वन को। तो बसीम ने लास्ट में जाते जाते वही बोला निहाल को कि मैं उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें कभी ना देखूँ। तो गाइस जब आखिरी ऑप्शन में हिडन वन की बोट के पास आए, हिडन वन ने बोला था कि मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रही हूँ, आना हो तो आ जाना मेरी बोट के पास, हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी गार्ड उन्होंने पकड़ लिया, भाई साहब धीरे से निकल रहे थे यार, बाकी गार्ड ने देख लिया। अब हम यहाँ शायद कुछ कर नहीं सकते, यदि कुछ करेंगे तब भी मरना तय है। ओ भाई ओ तेरी की तो खतरनाक, ये दोनों का तो काम खराब कर दिया इनने भाई। निकलते अब, चलो भागो। बोट कहाँ है? ना बोट के तब हम जा नहीं सकते, गार्डन काफी आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि यही फाइट करेगी क्या? ओ भाई हमारे पास तो हथियार नहीं, भाई क्या मार रही है रोशन, पूरी स्किल पे एंड है भाई ये तो। ओ भाई तीन तीन चार चार को संभाल के फाइट कर रही थी वो भाई। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गए, अब ये शायद पीछा छोड़ेंगे नहीं हमारा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे, बोट तो पीछे साइड रह गई है, इस टाइप रास्ता है क्या कोई सा? What are you doing? बस सिम बोल रहे तुम क्या कर रही हो भाई, और रोशन तो बोल के निकल गए कि सोचो मत। क्या सोचे नहीं यहाँ, छोरी तो निकल गए हम क्या करें। ओ भाई हम भी फिका गए, कहाँ जा रहे हम? ओ भाई पानी के अंदर ही सीधे जाके गिरे। रोशन बचाएगी क्या मैं, रोशन कहाँ निकल गई, ये यूबीसॉफ्ट का कहाँ से आ रहा है लोगो? अच्छा अब गेम स्टार्ट हुआ है, ओ ये हमारा क्या हुआ होगा, बसीम का मर तो नहीं गया? बसीम गहराई में तो जा रहा था पानी के, वेट करके देखते हैं क्या हुआ है। ओ क्या आवाज आई, सांसें चल रही है बसीम की, मतलब समझ लो जिंदा है। वे भूत तोड़े उन कहां से आ गए पानी में भी, इनका अलग ड्रामा चल रहा है भाई, पहले सपने में भी आए थे ऊपर यहाँ भी आ गए भागो ऊपर। बसीम मन ही मन बोल रहा होगा गार्ड तो तब भी ठीक है, लेकिन ये अलग नहीं मान रहे भूतड़ों ने, हर जगह पहुंच जा रहे। अब क्या करें, ये सबको आती नहीं, इनकी जाती नहीं भूतड़ों उनकी एंट्री पंती। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही,
गाइस इस गेम के ग्राफिक्स एंड स्टोरी बहुत मेरे प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट लगे मुझे, बहुत मज़ा आया और इंटरेस्ट आया इस गेम को खेलने में। आई होप आपको भी बिल्कुल अच्छा लगा होगा गेम प्ले और वीडियो इसका, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आप इसके नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक सेकंड, यहाँ पे हिरन खड़ा था ना, यहाँ पे कहाँ भाग गया भाई? लाइक एंड सब्सक्राइब का सुन के गाइस, आप भी हिरन जैसा मत